जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ नमस्कार। बोल के लिए आजाद है तेरे और बोल में आज हम इन दो मुद्दों की चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा नंबर एक, कमलेश के कथित हत्यारे गिरफ्तार मगर अब भी परिवार को मोदी योगी पर विश्वास क्यों नहीं। मुद्दा नंबर दो, बटन जो भी दबाइए वोट बीजेपी को ही जाएगा। जी हां, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि 21 मई को ईवीएम में दिक्कतें आई थी, उसी तरह की कुछ तस्वीरें अब हरियाणा और महाराष्ट्र में उभर कर आ रही हैं और कुछ तो बहुत हैरत में डालती हैं। मगर शुरुआत दोस्तों हम करना चाहेंगे, कमलेश की मौत के लिए जिम्मेदार कथित तौर पर दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके नाम क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला नाम है अशफाक शेख, इस वक्त आपके स्क्रीन पर, और दूसरा मोइनुद्दीन खुर्शीद पठान। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी कुछ सवाल भी खड़े कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये दो शख्स या तो बहुत ही मूर्ख थे या फिर ये चाहते थे कि ये गिरफ्तार किए जाएं, और उसके लिए मैं आपके सामने कुछ प्रमाण पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले गौर कीजिए, जिस दिन हत्या होती है कमलेश की दोस्तों, उसी दिन ये लोग गुजरात के एक मिठाई की दुकान से, जो कि सूरत में है, वहां से वो कमलेश तिवारी के लिए मिठाई ले जाते हैं। अब वो जो बिल है उसके जरिए यह पता चल पाता है कि उन्होंने किस मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदी थी, यानी कि अपने तमाम सबूत जो हैं आपने कमलेश के घर पे छोड़ दिए। मुद्दा नंबर दो, आपके स्क्रीन पर इस वक्त वो सीसीटीवी कैमरे जो कि उनके होटल से जहां ये रुके हुए थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमलेश के घर से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग रह रहे थे और साफ तौर पर इन्हें यहां सीसीटीवी पर देखा जा सकता है। इसके बाद इन्हें मारने के बाद अशफाक और मोइनुद्दीन जो हैं वो होटल पहुंचते हैं, और न सिर्फ होटल पहुंचते हैं बल्कि अपना जो कुर्ता है, खून से सना कुर्ता और चाकू, दोनों होटल में छोड़ जाते हैं, यानी कि इसकी बाकायदा डीएनए टेस्टिंग हो सके और इनकी गिरफ्तारी हो सके। ये लोग नेपाल पहुंच जाते हैं, मुद्दा नंबर चार, और फिर नेपाल से यू टर्न लेकर वापस गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर इन्हें पकड़ा जाता है। दोस्तों अगर सामान्य वक्त होता ना तो हमारे न्यूज चैनल्स कहते कि यह पाकिस्तान की साजिश है। मैं क्यों कह रहा हूं, मगर आज कोई पाकिस्तान की साजिश की बात नहीं कर रहा। क्यों? कुछ सवाल है मेरे कि आखिर ये दो शख्स अशफाक शेख और मोइनुद्दीन खुर्शीद पठान आखिर क्यों चाहते थे कि वो पकड़े जाएं? एक के बाद एक जो सुराग ये छोड़ रहे थे, इसका मतलब स्पष्ट है कि ये चाहते थे कि ये पकड़े जाएं। आखिर वो कौन सी सोच है, वो कौन सी ताकत है जो चाहती है कि भारत को 1000 घाव दिए जाएं और भारत के टुकड़े कर दिए जाएं? ब्लीडिंग इंडिया 1000 कट्स। कौन चाहता है कि भारत के अंदर दंगे शुरू हो जाएं, हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाएं? बताइए। तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा 80 के दशक की तरफ दोस्तों, और आपके स्क्रीन पर यह शख्स जिसका नाम है जियाउल हक। जियाउल हक पाकिस्तान का सैनिक तानाशाह, जिसका एक फलसफा था ब्लीडिंग इंडिया 1000 कट्स, यानी कि हम भारत से सीधे युद्ध में तो जीत नहीं सकते, लिहाजा हम भारत के अंदर अराजकता पैदा करें और उस अराजकता के चलते दंगे हों, पृथकतावादी मुहिम हो और उससे भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मुसलमान कौम बदनाम हो और उसके बाद एक किस्म के दंगे शुरू हो जाएं देश के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि माहौल निहायत संवेदनशील है। कमलेश की हत्या हो चुकी है और उसके बाद आप यह भी जानते हैं कि किस तरह से अयोध्या पर फैसला आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गजराज राणा कहते हैं कि साहब आप धनतेरस पर चांदी और सोने के बर्तन मत खरीदे, तलवारें खरीदिए। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, अब कोई पाकिस्तानी एंगल की बात नहीं कर रहा, कोई यह बात नहीं कर रहा कि हो सकता है कि इसके पीछे आईएसआई की साजिश हो। हमारे न्यूज चैनल्स कहीं ना कहीं देश के मुसलमानों की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। यकीनन ये दोनों मुसलमान थे,
यकीनन अगर इन्होंने अपने दम पर इस हत्या को अंजाम दिया है तो इन्होंने इतनी बड़ी मूर्खता का काम किया है, इन्होंने पूरे कौम के लिए, पूरे मुसलमान कौम के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। ये 5 से 10 लोगों ने बाकी जितने करोड़ों मुसलमान हैं जो शांति से रहना चाहते हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। और खासकर एक ऐसे माहौल में जब हमारा मीडिया खुद इस देश में हिंदू मुसलमान के दंगे कराना चाहता है। मसलन ये शख्स, इसका नाम है सुरेश चवणके, किसी सुदर्शन न्यूज नाम के चैनल का हेड है और इसने एक झूठी खबर चलाई। और खबर क्या चलाई कि असदुद्दीन ओवैसी कमलेश की मौत पर जश्न मना रहा है, जबकि कमलेश की मौत जिस दिन हुई उससे एक दिन पहले का यह वीडियो है, क्योंकि महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा देश के बाहर, देश के अंदर कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहते कि इस देश में अमन चैन हो। मगर मेरे जहन में कुछ और सवाल है दोस्तों। बावजूद इसके आखिर कमलेश को मोदी और योगी पर विश्वास क्यों नहीं है? यह वीडियो देखिए, यहां पर आदत से मजबूर, मीडिया की तो आदत है हर चीज में मोदी जी को लाने की। यहां पर आदत से मजबूर मीडिया जो है वो पूछता है कि आप मोदी जी के चुनाव क्षेत्र बनारस में आप क्या कहना चाहेंगे, तो देखिए उनकी मां क्या कहती है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आई है, कुछ कहेंगे यहां से ताकि मोदी जी का संदेश? अरे मोदी जी का शंकर जी है, हम भोले जी के दरबार में, मोदी जी का हमारे भगवान है का? मोदी जी मोदी जी मोदी जी हुई ताकि हुई है मोदी जी, हम मोदी जी से संतुष्ट है ना, बात खत्म, क्यों बेर बेर हम का परेशान कर रहे हो? इतनी नाराजगी क्यों मोदी जी से? अब देखिए कमलेश का ये वीडियो। इस वीडियो में वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है, वो इशारा कर रहा है कि उसकी जान के दुश्मन खुद पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं और कटघरे में वो योगी जी को भी रख रहा है। सुनिए, पदाधिकारी कार्यकर्ता भाजपा का है, पदाधिकारी कार्यकर्ता मरता है तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वो संघ और भाजपा का है हम चुप रहे, हम ये सोचते हैं कि वो हिंदू है, ये भले मैं जेल चला जाता हूँ, ये भले मेरे लिए षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के लिए भी मेरे दिल में दर्द होती है और मैं लड़ने निकल पड़ता हूँ इनके लिए, जो मेरे पीछे दिन रात पड़े हुए, मेरी हत्या की साजिश रचते, मेरी सुरक्षा हटा दिया। योगी सरकार के आते ही फिर भी मैं लड़ रहा हूं और इन्हें यह दिखा रहा हूं कि मैं अपने दम पे लड़ रहा हूं और हिंदुओं के लिए लड़ूंगा। ये तमाम चीजें हैं जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा। अभी मामला शुरुआती है, मगर जैसे मैंने कहा कि अगर अशफाक शेख मोइनुद्दीन खुर्शीद पठान वाकई हत्यारे हैं तो इन्हें अंदाजा नहीं है इन्होंने देश में मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल कर दी है, क्योंकि इस देश में पहले से ही ऐसी ताकतें हैं जो उनके लिए देश के अंदर असहज और मुश्किल हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मूर्खों, तुमने न जाने क्या कर दिया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और अब बात दूसरे मुद्दे की कि बटन जो भी दबाइए वोट बीजेपी को जाएगा। दोस्तों, अपनी इस दूसरी प्रस्तुति के जरिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम हैक कर दिए गए हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मगर हमने ये उम्मीद की थी कि वक्त रहते ईवीएम्स को लेकर जो दिक्कतें हैं वो सुलझ जाएंगी, मगर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और खासकर 2019 के चुनावों से पहले जिस तरह के हालात पैदा हो रहे थे, जिस तरह की खबरें आ रही थीं, उससे हो क्या रहा है कि जो लोग बीजेपी के विरोधी हैं वो इस तरह की बातें करने लगे हैं कि साहब ईवीएम्स भी हैक हो सकते हैं, ईवीएम्स को रिप्लेस किया जा सकता है। अब गौर कीजिए कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले क्या खबरें आ रही हैं। मसलन इस घटना में सतारा की घटना है, महाराष्ट्र सतारा की। वक्त हो रहा था 11 बजे, गांव है नावलेवाड़ी, सतारा जिले की कोरेगांव सीट। 200 लोग वोट डाल चुके हैं दोस्तों, मगर फिर अचानक किसी को पता चलता है कि हम वोट जिसे भी डाल रहे हैं, जो भी बटन दबा रहे हैं, वो वोट तो बीजेपी को जा रहा है, क्योंकि वीवीपैट की जो स्लिप्स आ रही हैं उसमें यही पता चल रहा था। उस वक्त होता क्या है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है, फिर बाद में पुलिस को दखल देना पड़ता है और उस मशीन को जब्त कर लिया जाता है। ऐसा क्यों, यह रहस्य क्यों कि भाई वोट जो भी आप बटन जो भी दबाएं वोट बीजेपी को जा रहा है। अब गौर कीजिए इस दूसरी घटना पर, बल्लारपुर विधानसभा सीट। यह सीट दरअसल वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की है। यहां पर क्या हो रहा है
कि चंद्रपुर में एक ईवीएम को प्राइवेट गाड़ी में ले जाया जा रहा है। अब देखिए ये वीडियो। आम्ही त्यांना पकडलाय, त्याच्या पहिले ते हातामध्ये अर्धा किलोमीटर अंतर हातामध्ये मशीन घेऊन चालला एक माणूस, त्याला नाही पोलीस सिक्युरिटी नाही काही नाही। जिला कलेक्टर का कहना है कि इसका वोटिंग में इस्तेमाल नहीं किया गया और ये रिजर्व ईवीएम था। रिजर्व ईवीएम्स को लेकर खुद ईवीएम के कायदे कानून क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा, मगर मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूं कि ये मॉर्निंग वॉक पर, इवनिंग वॉक पर, आफ्टरनून वॉक पर ईवीएम्स क्यों निकल जाया करती हैं? ऐसी ढेरों मिसालें हमें लोकसभा चुनावों से पहले मिली थी, आपको याद होगा। अफसोस क्या है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इन घटनाओं के जरिए लोकतंत्र में हमारे विश्वास को कमजोर किया जा रहा है। मसलन देखिए महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता सत्यजीत तांबे ने क्या कहा। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में किसी को एग्जिट पोल्स में विश्वास नहीं है, लोग नाराज हैं, उन्हें लग रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, गुस्सा इतना है कि राज्य में कानून व्यवस्था का संकट हो सकता है, चुनाव आयोग को इसका ध्यान करना चाहिए। बात यहां नहीं रुकती, हरियाणा का रुख करते हैं। आपके सामने एक वीडियो है शाहबाद मारकंडा का, यहां पर देखिए किस तरह से एक सरकारी अफसर के गाड़ी में ईवीएम्स जो है भ्रमण पर निकल गई है, देखिए। भाइयों यो गड्डी पकड़ी यो रावे और मोहनपुर की है, इसमें मशीना यो देखो फेक मशीना लाद रखी इन्होंने बीच में, वो पीछे रखी पिछली सीट पर देखो, और देखो लाद रखी ये देखो जी, ये 75 बार ऐसे नहीं होती जी, ये हरियाणा सरकार ये फेक मशीने रखी हुई है अपनी वोट डाल के, ये देखो यहाँ पे गाड़ी पकड़ी है आज, ठीक है ना, ये 75 बार ऐसे नहीं होता। ये वीडियो देखिए आप और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शाहबाद मारकंडा में ये मशीनें पकड़ी गई हैं। और अगर आपने सुना इसमें एक शख्स क्या कह रहा था कि सीटें ऐसे ही 75 तक नहीं पहुंचती। आज मेरे कुछ सवाल हैं दोस्तों। अभी एग्जिट पोल्स आए हैं कि साहब, एक्सिस के एग्जिट पोल्स, कि हो सकता है कि हरियाणा में मामला एकदम बराबरी का हो जाए और वहां पर खंडित जनादेश आएगा। अगर मुकाबला करीबी हुआ, सवाल नंबर एक, अगर मुकाबला करीबी हुआ और इस तरह की जो ईवीएम्स में गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं, अगर मुकाबला करीबी हुआ तब, दूसरा सवाल, विपक्ष और उनके समर्थक पहले से ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता कहां चली जाती है। सवाल नंबर तीन, चुनाव आयोग का इंतजाम इतना बद से बदतर क्यों हो रहा है, हालात बेहतर होने चाहिए थे मगर ऐसा लग रहा है कि खुला खेल फरुखाबादी, कुछ भी कीजिए किसी को परवाह नहीं है। मुद्दा नंबर चार, बगैर सुरक्षा के इन ईवीएम्स को कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है। अब एक और वीडियो देखिए झज्जर नेहरू बादली कॉलेज का, पत्रकार सुप्रिया भारद्वाज ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि ईवीएम्स जहां रखे गए थे वहां 4 घंटे तक जो कैमरास थे 4 घंटे तक वो बंद रहे, कांग्रेस और जेजेपी के समर्थक वहां पहुंच गए, धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, आखिर क्यों? अब सुनिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बख्शीश सिंह वर्क ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था कि मोदी जी की निगाहें बहुत तेज हैं, आप वोट जिसे भी डालें वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। सुनिए, अंदर वोट जितने मर्जी पाए निकल नहीं पाती, जितना मर्जी निकलना पड़ती। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दरअसल इसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले आपसे किया था कि चुनाव आयोग क्या कहता है रिजर्व ईवीएम्स के बारे में और वो ईवीएम्स के बारे में जिसमें वोट पड़ा आपके स्क्रीन्स पर। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ईवीएम्स पोल्ड एंड अनपोल्ड, गौर कीजिए,
all polled and reserve EVMs after voting shall be under the cover of armed police at all times. Reserve EVMs should also be returned at the same time when the polled EVMs are returned at the receipt center. Yani ki tamam jo suraksha bal hain wo iski padtal aur is par nigah jo hain wo dalein. आज मैं सवाल कर रहा हूं कि ये ईवीएम्स इस तरह से क्यों घूम रही हैं? चुनाव आयोग आखिर ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? आज ये मुद्दा मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूं दोस्तों क्योंकि चुनाव आयोग पर विश्वास करना अब न के बराबर हो गया है. उसके लिए मैं आपके सामने कुछ कारण रखना चाहूंगा. आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले अचानक कई लोगों के वोटर्स लिस्ट से नाम गायब हो गए. मुद्दा नंबर एक, मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट से गायब. मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव जाते हैं और वो भी वोट नहीं दे पाते हैं. दिल्ली की आम आदमी पार्टी का सरकार है कि बड़ी पैमाने पर वोटर्स के नाम जो हैं वो लिस्ट से गायब हो गए. मुद्दा नंबर दो, मोदी और अमित शाह को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर मिली क्लीन चिट. इस क्लीन चिट का विरोध किसी और ने नहीं, इस शख्स अशोक लवासा ने किया था क्योंकि चुनाव आयोग का दिशा निर्देश साफ था कि आप पुलवामा में जो शहादत हुई है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते चुनावों में. और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में क्या कहा था. उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि क्या आपका वोट पुलवामा के शहीद के नाम पर पड़ सकता है. उसी तरह से आपको याद होगा कि अमित शाह ने वायनाड की तुलना पाकिस्तान से कर डाली थी, वायनाड जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त. और वो अशोक लवासा जिसने विरोध दर्ज किया था, जो डिसेंटिंग वॉइस थी, उसे आज से कुछ दिनों पहले इनाम क्या मिला. उनकी पत्नी, उनकी बहन और उनके बेटे तीनों पर इनकम टैक्स विभाग का जो है अंकुश, कड़ाई. जी हां, उसके बाद से अशोक लवासा बिल्कुल खामोश हो गए. इसके बाद अगला मुद्दा, 1996 के आईएएस ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन, संभलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है, उनका हेलीकॉप्टर लैंड करता है उड़ीसा के संभलपुर में और मोहम्मद मोहसिन अपना काम करते हुए उसकी जांच करते हैं. मोहम्मद मोहसिन को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है. उनका सस्पेंशन बाद में खत्म होता है मगर फिर उन्हें चुनावी ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता या नहीं लगाया जाता. यानी कि जो शख्स अपना काम कर रहा है उसे आप काम मत करने दो. इसके बाद अगला मुद्दा, बंगाल में उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो. इस रोड शो में टकराव शुरू हो जाता है. नतीजा यह होता है कि बंगाल के कई सम्मानित लोगों की मूर्तियां तक तोड़ दी जाती हैं और उसके बाद चुनाव आयोग क्या करता है, 19 घंटों के लिए चुनावी कैंपेनिंग 19 घंटे पहले खत्म कर देता है. मगर इतनी चालाकी के साथ कि प्रधानमंत्री अपनी दो रैलीज आसानी से कर देते हैं. यानी कि चुनाव आयोग का यह फरमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होता. दोस्तों जब ये तमाम चीजें उभर कर आती हैं तो चुनाव आयोग पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है. और आज मेरा सवाल, ये तमाम चीजें आम इंसान का लोकतंत्र में विश्वास को कमजोर कर रही हैं और ऐसे कौन लोग हैं जो लोकतंत्र में हमारे विश्वास को कमजोर करना चाहते हैं? कौन लोग हैं ये? आखिर किसका फायदा है अगर हमारा लोकतंत्र में विश्वास कमजोर हो? कौन चाहता है इस देश में इस तरह की अराजकता? जिन लोगों ने चुनाव आयोग को इस कदर टूथलेस, इस कदर नपुंसक बना दिया, क्या उन्हें अंदाजा है कि वो देश के लोकतंत्र के साथ क्या मजाक कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इन तमाम मुद्दों को सरकार संबोधित करेगी, विपक्ष और सरकार एक मंच पर बैठेंगे और इसका समाधान होगा. मगर बोल के लब आजाद है तेरे में, ये मुद्दे मैं आपके सामने लाता रहूंगा. नमस्कार.